अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंगलो आपकी खिदमत में लेके आए हैं। खूबसूरत बैंगलो आप देख सकते हैं, देख के दिल चाह रहा है कि ये घर ले लिया जाए। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। ये 400 स्क्वायर यार्ड का एक बैंगलो है, 400 स्क्वायर यार्ड पर खूबसूरती से बना हुआ। आप घर में पूरा देख रहे हैं किस तरह से पार्क आया और किस तरह से जो है घर में ड्राइंग रूम बना हुआ है, किस तरह से जो है कलर का काम हुआ हुआ है, किस तरह से जो है नफासत के साथ जो है उन्होंने इस घर को बनाया। खूबसूरत वॉशरूम और खूबसूरत कमोड, हर चीज़ जो है बेहतरीन है। मैं आपको इस घर की डिटेल बता दूं, ये ग्राउंड प्लस वन का है और 1+3 की कंपोजिशन पे ये बैंगलो बना हुआ है। यानी इसमें एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, एक किचन है जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। आप किचन देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, कबर्ड्स का वर्क जो है कितना खूबसूरत हुआ हुआ है, खूबसूरत कैबिनेट्स लगे हुए हैं। ये लो देखें, आप लोग भी घूमे ही जा रहे हैं इस घर में ना, इसको देखे जा रहे हैं, मुस्तकिल हैरत अंगेज़ निगाहों से देखे जा रहे हैं। और ये एक और कमरे के पास जाके भी आपको हमने दिखाया, ये देखें अब ये हम आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि नीचे जो है एक बेडरूम, एक बाथरूम, एक किचन था। अब जैसे ही आप ऊपर आए तो ऊपर भी आपको 3 बेडरूम और 3 बाथरूम्स मिल जाएंगे। यानी 3 बेडरूम ऊपर, 3 बाथरूम ये और अटैच बाथरूम, ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और जिस तरह से सीढ़ियों का काम हुआ हुआ है और जिस तरह से मार्बल और टाइल फ्लोरिंग का इस घर में काम हुआ हुआ है, टीवी लॉन्च इसमें मौजूद है, डाइनिंग रूम इसमें मौजूद है, सिटिंग रूम इसमें मौजूद है, कार पार्किंग इसमें मौजूद है। ऐसी एलिवेशन देखने को बहुत ही कम मिलती है। जिस तरह से रूफ के नक्शो नगार पर काम हुआ हुआ है और जिस तरह से किचन का काम हुआ हुआ है फर्स्ट फ्लोर पर भी, वो बहुत ही लायक तहसीन है। और आप देख सकते हैं रूफ का काम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, फुली टाइल्स फ्लोरिंग का ये घर है, वुडवर्क बेहतरीन हुआ हुआ है, ब्यूटीफुल वॉल्स हैं, दीवारें देख के दिल चाहता है इन पे अगर कोई ऐसा आदमी हो तो वो तो सर भी दे मारे। और दूसरा ये है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओनर बहुत ही इसके अच्छे इंसान है। गुलशन मेमार का ये घर है और X1 है गुलशन मेमार का ये घर, और वो इसकी डिमांड कर रहे हैं 4.5 करोड़। अब आप उनको कॉल करें और कहें 4.5 करोड़ रुपये का, लेकिन घर तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया है, किस तरह से खूबसूरती से बनाया है, मुझे तो इसकी दीवारों पे दिल आ गया। और क्या ज़बरदस्त आपने उसमें जो है जीनत भरा काम किया हुआ, ज़बरदस्त छत है, नीचे तो ऊपर 3 बेडरूम ऊपर मिल रहे हैं मुझे, नीचे भी एक बेडरूम मिल रहा है। तो वो बोलेंगे आपको क्या हो गया है, आप मुझे बताएं आपकी ऑफ़र क्या है। तो आप उनको कोई नेगोशिएबल ऑफ़र दे सकते हैं और इस बैंगलो को अपने नाम कर सकते हैं और इसकी सीढ़ियों पे फिर आप चढ़ेंगे और उतरेंगे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में हम एक और प्रॉपर्टी की डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, क्योंकि ये घर जो है इसमें पार्किंग और सब तरह से जिस तरह से भी इसकी वीडियो बनाई गई है, आपको पूरा एक ओवरऑल लुक दिया गया है, क्यारियाँ, पार्क, गार्डन, पौधों का जिस तरह से काम हुआ हुआ है, खूबसूरत पार्किंग की जगह है और एक से ज़ायद गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश है कि आप ये घर ले लें। अगली वीडियो में हम एक और प्रॉपर्टी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।